शिखर भाई प्लीज एक बार वो सिग्नेचर स्टाइल जो हमारे दिल के करीब है, प्लीज। आप मेरी थाई पहले ही रेड करवाना चाहते हैं। अच्छा धन भाई, ये आया कहाँ से, ये स्टाइल आपने जो कैच किया कहाँ से किया? जब भी मैं कबड्डी देखता था तो जब रेडर पॉइंट लेके जाता था, थापी मारता था, तो मेरे को अच्छा लगता था। और मैंने पहले भी बोला कि थोड़ी मर्दों वाली बात है वो, उसमें और एग्रेसिव है, एट द सेम टाइम ऐसा कुछ नहीं कि किसी को चुभे भी, और वो तो मेरे को अच्छा लगता दिल से। तो मैंने वो अपना क्रिकेट में स्टार्ट करना शुरू कर दिया और फिर वो सबको पसंद भी आ गया। अच्छा, ये आपने क्लीन सेव करा लिया है, वो मूछो वाला भी हमें देखना था। कई फैंस कहे थे कि शिखर पाजी जो मूछो वाला स्टाइल करते हैं और जो आंखें वो देखते हैं जब बॉलर की तरफ और दूसरे खिलाड़ियों की तरफ, हाँ जी, तो वो स्टाइल आप डेवलप करेंगे फिर से दाढ़ी? मुझे अभी तो मन नहीं है मेरा सच मूछे रखने का। अभी मेरे को ऐसा लगता है, मैं उम्र में भी बड़ा हो रहा हूँ तो मूछे दाढ़ी में और बड़ा लगता हूँ, तो मैं तो बड़ा नहीं थोड़ा चाह रहे हैं आप। क्लीन रहना पसंद हो गया मुझे अब, और उम्र के साथ बंदे को जवान दिखना जरूरी है। ओहो, देखिए, अच्छा ये बताइए कैसी चल रही है आईपीएल की तैयारी? आईपीएल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी फिटनेस पे वर्क कर रहा हूँ, स्किल पे वर्क कर रहा हूँ और विजुअलाइजेशन करता हूँ। ऐसी मसल परफॉर्मिंग गुड आउट देयर। इस साल क्या टारगेट लेके शिखर धवन मैदान पर उतरेंगे, क्या फोकस है आपके साल का? फोकस यही है कि पंजाब किंग्स को ट्रॉफी जिताई जाए और एक अच्छा प्रोसेस स्ट्रांग प्रिपरेशन के साथ जाए एंड एंजॉय करें जर्नी। फोकस ये है कि पॉइंट ए से खुशी खुशी चले और पॉइंट बी तक खुशी खुशी पहुंचे और create a amazing environment where all boys are very happy being themselves and performing their best. Yeah, ek aisa environment jisme wo sab aur nikhar ke aaye, as a leader that's mera wo role rahega. Dhan bhai, ek sawal har koi ye puchna cha raha hai ki team india semi final khelti hai, final pahunchti hai, lekin wahan jaakar hum chook ja rahe hain, aisa kyun ho raha hai, bar bar ho raha hai, aisa kyun ho raha hai? आई फील कि सेमीफाइनल में हम काफ़ी बारी हारे हैं और फाइनल बड़े टाइम बाद पहुंचे थे। इस बारी तो जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही थी तो 1% भी नहीं लगा था किसी को कि हम हार जाएंगे। एंड आई फील कि दिस टाइम जो विकेट थी वो थोड़ी स्लो थी, तो जो पहली इनिंग में विकेट खेली और दूसरी इनिंग में खेली दोनों में फ़र्क था। विकेट पे जैसे जब धूप पड़ रही थी तो थोड़ी स्लो खेल रही थी, जब लाइट धूप गई और लाइटें पड़ी तो ठंडक से विकेट का भी थोड़ा नेचर चेंज हुआ। तो एंड ऑफ कोर्स हमारे उतने रन भी नहीं थे। आई डोंट फील कि इट वाज मोर ऑफ अ प्रेशर थिंग एंड आई थिंक नेचर ऑफ द विकेट प्लेड दैट रोल। हमारी हार पर एक मुल्क ऐसा जो बहुत खुश होता है वो है पाकिस्तान। उसने ये कहा कि भैया इस बार मोहम्मद शमी जो गेंद से गेंद डाल रहे थे ना, उसके अंदर मशीन लगी हुई थी। हाँ जी, वो गेंद राइट लेफ्ट हम खुद से हिला रहे थे, बीसीसीआई ने पूरी सेटिंग की थी। अच्छा, ये सब बातें जब आप सुनते हैं तो क्या रिएक्शन आता है, क्या मन में ख्याल आता है? हंसी आती है और क्या आता है इसमें। इसमें आई फील कि देखिए, जब आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं तो दूसरे पे उंगली उठाना आसान होता है, और रादर देन खुद पे देखें खुद को कैसे इम्प्रोवाइज करना है। वो जो एक डीप इंसान होएगा, गहरा इंसान होएगा, वो खुद पे वर्क करने पे ज्यादा ध्यान देगा और रादर देन पॉइंटिंग आउट कि ये हो गया वो हो गया, एक्सेप्ट करें कि खुद अच्छा नहीं हुआ, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो आई फील कि वो उनके बोलने से जो अगर जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं वो मजाक उड़ाएंगे उस चीज का, जो समझदार इंसान है वो उससे उसकी सोच पकड़ लेगा कि उसकी सोच ही उतनी है बस, तो ये फर्क है। कोई ऐसा फनी एलिमेंट आपको याद हो जब आप खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस तरह की कोई बातें आपके साथ, क्योंकि अमूमन होता है ना कि खिलाड़ी मैच के बाद मिलते हैं, बात करते हैं, तो इस तरह की कभी कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, बड़ी सारी बातें हुई पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ। हम देखे दोनों मुल्क सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं वहाँ पे, हिंदी भी बोलते हैं और दोस्ती भी हमारी। आई विल से कि भाई जिस वक्त इंडियन टीम कभी पाकिस्तान गई तो वहाँ पे जो खातिरदारी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और नॉर्मल
खुशी होती है उनसे मिलके, एक प्यार भी है और ऑन द फील्ड जो हमारी एक टकरार है वो पूरी है. एंड आई फील एक स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे काफी जनता जुड़ती है सारी. अच्छा, आपको कभी भी मैंने या फिर जितने फैंस हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कभी भी गुस्से में नहीं देखा. आप आउट होके जा रहे हैं तब भी, आपसे कैच छूटा तब भी, आप सेंचुरी मारे तब भी, हमेशा आप हंसते रहते हैं. इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब ये कहाँ से हंसी निकालते हैं आप? ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे को गुस्से को चैनलाइज करना आता है और उस एनर्जी को प्रोडक्टिविटी में बदलना आता है. और आई फील कि मेरे को दम लगता है उस इंसान में, या जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो ये है कि अगर कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा हो उसमें मैंने अपना कंपोजर बना के रखा है, कामनेस बना के रखी, तो आई फाइंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट. गुस्सा करना, रिएक्ट करना मेरे लिए वो आसान चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए जो दूसरा वो अपनाता हूँ. और इसलिए आप मुझे हमेशा मोस्टली स्माइल करते हुए देखते हैं. एक कैसा भी सिचुएशन हो लाइफ में, अगर एक ग्रेसफुलनेस है इंसान में, तो आई फाइंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन इट. एंड या दैट्स व्हाई आई प्रैक्टिस दोज थिंग्स. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है गुस्सा भी करता हूँ. और आई फील कि एज अ लीडर आपको पता होना चाहिए कि कब थोड़ा फर्म होना है, कब थोड़ा प्यार देना है. तो एज अ लीडर उस वक्त उस रोल के लिए वो करना जरूरी है. अच्छा, आपको गुस्सा भी आता है लेकिन आप उसको जाहिर नहीं करते हैं. टीम इंडिया में कोई ऐसा खिलाड़ी जो बहुत गुस्सा करता हो? अब टीम इंडिया में 15-17 खिलाड़ी तो ऑफकोर्स कोई ना कोई होएगा. मैं नाम निकालूंगा नहीं उसमें लेकिन आपके लिए बट हाँ जी, यहाँ देखिए 15 लोग हैं, 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हर एक का अपना नेचर है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टीम. आपकी बॉन्डिंग टीम इंडिया में सबसे बेहतर किससे? मेरी काफी प्लेयर्स से बॉन्डिंग है और काफी है. विराट से है, रोहित से है, चहल से है, कुलदीप से है, शुभमन से है, काफी प्लेयर्स है. पंत के साथ एक फोटो वायरल हो रही है. हाँ जी, पंत टीम इंडिया एक फोटो सेशन खिलाई हुई है लेकिन कुर्सी छोड़कर पंत आपकी गोदी में बैठे हुए हैं. हाँ जी हाँ जी. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसको प्यार आ रहा होगा तो वो बैठ गया गोदी में. और ये तो लाइट मोमेंट्स होते हैं. अब आपकी गोदी में कोई आके बैठे तो आप ये बोलोगे ऐसा क्यों, तो फिर क्या होगा? लकी, खैर मैं ये कह रहा था कि पंत से क्या आपकी बात हुई थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, और अभी जिस तरह से पंत रिकवरी में चल रहे हैं, आप एक सीनियर प्लेयर हैं, बड़े भाई की तरह आप उनको, पंत आपको मानते भी हैं, क्या कोई पंत से आपकी बातचीत हुई, कोई सलाह, कोई मशवरा आपने पंत को दिया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बातचीत हुई थी पंत से. और पहले तो शुक्रिया अदा किया कि भाई भगवान का शुक्र है कि वो बच गया. इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आना भी अपने आप में बड़ी बात थी. और आई फील कि उसको इससे बहुत रियलाइजेशन आई होगी लाइफ में, एक ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. जहाँ इंसान भागा दौड़ी में रहता है काम के कि भाई ये अचीव करना है, स्पेशली एज अ यंगस्टर आप दौड़ में रहते हो ज्यादा तेज की, यार मेरे को ये भी अचीव करना है, ये करना है, सारा कुछ करना है. बट ये जो उसका एक लाइफ का फेज होगा, आई एम श्योर उसका माइंड सेट काफी बदल गया होगा, क्योंकि उसको इवन वो टॉयलेट करने के लिए भी नहीं उठ सकता था. तो उसको उस लेवल से लेके वापस हर चीज की अहमियत आना वो अपने आप में बहुत बड़ी रियलाइजेशन है. एंड आई एम श्योर कि ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मैं कभी भी उससे मिला उसकी रिकवरी में, मैं हॉस्पिटल था मुंबई में, तो वहां पर जब मैं मिला तो ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव. एंड जिस तरीके से उसने ये साल बिताया, ऑफकोर्स कोई फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स भी आएंगे, बट आउट ऑफ 10 आई फील दैट 8 टाइम्स ही इज वेरी पॉजिटिव एंड ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज प्रेजेंट. अभी जैसे उसका इंटरव्यू भी आया तो उसमें वो बता रहा था कि यार कि कितना ग्रेटफुल है कि एक सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से वो आ गया वापस बच गया. एंड आई फील कि आई एम श्योर उस यहां से उसकी एक जर्नी, दैट्स माय टेक की दुआ है. I would say my prediction that he will go very long way. Okay. शिखर भाई, आप खाली समय में क्या करते हो? खाली समय में किस तरह से टाइम पास करते हो? सोशल मीडिया पे तो अपने वीडियो देखते रहते हैं आप. हाँ जी हाँ जी, वो गब्बर वाला भी आपका डायलॉग दिखता है. खाली समय में मैं काफी कुछ करता हूँ. मेरे को हॉबीज बहुत सारी है मेरी, तो हॉबीज होना बहुत जरूरी है. आई एंजॉय रीडिंग बुक,
मैं सिंगिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को पोइट्री पसंद है तो पोइट्री सुन लेता हूँ, एंड आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ एज वेल एंड विद माई फ्रेंड्स एज वेल। सिंगिंग की बात की तो मैं एक रिक्वेस्ट बस आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हाँ मैंने आपका एक वीडियो देखा है जिसमें आप बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ जी। और हमने भी एक बांसुरी अरेंज मैंने वहां देखी है, वहां पे हमने कोने में बांसुरी रखी है, मैं बजाऊंगा नहीं अभी। नहीं नहीं, वो पीछे हमने छुपा कर रखी हुई है, प्लीज। हाँ जी। नहीं, मैंने बांसुरी काफी टाइम से बजाई नहीं, और आई डोंट नो, ये मेरी एक 10 सेकंड के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबा टाइम के लिए रही, मेरे को देखना पड़ेगा। प्लीज 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 प्लीज। इतनी सुरीली बजी नहीं, पर कोई बात नहीं, ट्रेड में नहीं, प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाता है इंसान। और गाने की बात कही आपने, हाँ जी, वो सिंगिंग कैसी है, बाथरूम सिंगिंग है या फिर वो आप गाना? नहीं, अभी बाथरूम सिंगिंग ही है अभी तो वक्त है, लिटिल बेबी नेट, एंड हर एक कला पे वर्क करने के लिए आपको साल देने पड़ते हैं, तो अभी आई एम एंजॉयिंग द जर्नी। आई फील कि सिंगिंग ऐसा माध्यम है जो जिससे मेरी मेडिटेशन भी हो जाती है, तो मेरी मेडिटेशन भी को भी मैं उसी में काउंट करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ आप एक हो जाएं, कोई भी एक्टिविटी, तो वो जरूर करनी चाहिए। जैसे अब क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट के साथ भी जब मैं बैटिंग करूँ तो मेरा बैट और मैं एक हो जाते हैं, एंड वी गेट इन टू दैट फ्लो कि 50,000 बंदा भी बैठा है, 25,000 बंदा भी, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम एक अपने फ्लो में, जोन में, मेडिटेटिव जोन में चले जाते हैं। तो प्रोफेशन के साथ लेकिन प्रेशर भी बढ़ाता है क्योंकि परफॉर्मेंस का प्रेशर है, लेकिन हॉबी के साथ आपके पास परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं रहता, तो आप अपने शौक के लिए करते हो, शौक से आप उस मेडिटेटिव जोन में जाते हैं, तो दैट मेक्स यू वेरी वेरी लाइट इन लाइफ। धन भाई, एक पोस्ट आपने किया था अपने बेटे के लिए, वो क्या था और क्या उसके बाद कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि देखिए, सॉरी ये बहुत पर्सनल मैटर आपका है, लेकिन फिर भी ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप उसके बाद भी बातचीत हो पाए, क्योंकि आप वो पोस्ट ही था जैसे आपने बताया। नहीं, मेरी बात नहीं हुई मेरे बेटे से, बट जैसे मैंने उस पोस्ट में लिखा कि भाई मैं टेलीपैथी करता हूँ, तो कभी भी अब जैसे मैं सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ध्यान में चला गया, तो जब मेरे को एक मननेस फील होती है तो मैं उस वक्त फिर उससे बात करता हूँ और उससे उसका हालचाल पूछ लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ नॉर्मल, कि जैसे आई होप कि वो उसको फाइटिंग में है, वो तो फाइटिंग अच्छी चल रही है, उसके स्कूल अच्छे चल रहे हैं, एज अ फादर यही रहता है कि भाई सेहत अच्छी है मेरे बच्चे की और खुश है तो खुश है, एंड आई फील दिस सिचुएशन इन माय लाइफ टॉट मी कि हाउ टू बी स्टिल पॉजिटिव। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको ऐसा लगे यार कि दिक्कत आ रही है या वो, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी जरूर लाई कर रही होती है कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं, तो आई टर्न ऑल द सिचुएशन इनटू अ स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ एंड पॉजिटिव उसको ले जाता हूँ, और आई एम हैप्पी वेयर एवर ही इज, एंड कभी आएगा तो आएगा, तब बात अगर हुई तो हुई, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, और आई एम हैप्पी दैट ही मस्ट बी हैप्पी देयर, ही मस्ट बी हेल्दी, एंड यही मेरी एक फादर या एक एज अ ह्यूमन बींग यही मैं ब्लेसिंग कर सकता हूँ। आप अपने बैड पैच से मूव ऑन कर चुके हैं पूरा का पूरा? आई डोंट काउंट एज अ बैड पैच, आई डोंट सी एज इट इट्स अ बैड थिंग बिकॉज़ इट हैज मेड मी वेरी वेरी स्ट्रांग। यस, एंड इट्स अ सिचुएशन, नाउ यू कैन नेम इट एज अ बैड पैच, यू कैन नेम इट एज अ प्रॉब्लम, दैट्स इंडिविजुअल चॉइस, आई डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम और अ बैड पैच, इट्स जस्ट अ सिचुएशन, एंड एज आई से दैट एज आई सेड कि मैं उसमें पॉजिटिव आउटलुक ढूंढता हूँ कि भाई क्या पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आज मैं उदास हो गया, सैड हो गया, तो मेरा कल भी उदासी में ही आएगा, वो तो नहीं, तो वो मैं चाहूंगा नहीं, और मैं कहीं पे आ रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खूब खुशियां लाऊं, खूब हंसी लाऊं, और तो उसके लिए मेरे को खुद पॉजिटिव और स्ट्रांग होना जरूरी है। अच्छा धन भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड रोहित शर्मा है, मतलब हम क्योंकि ये हमें पता है, हम कवर करते हैं आप दोनों को, रोहित भाई से ही बात होती है तो खूब सारी बातें बताते हैं आपके बारे में, ये जब आप दोनों ओपनिंग करने जाते थे
ओपनिंग जाने से पहले आपका बाथरूम जाना, ये रोहित भाई को आज तक समझ में नहीं आया, क्यों करते थे ऐसा? बाथरूम जाना यार, ये तो नेचर कॉल है तो इसलिए, क्योंकि देखो प्रेशर आता है तो अब प्रेशर रिलीज करने के अपने अपने तरीके होते हैं, और मेरा होता है कि टॉयलेट जाके जो जो थोड़ा बहुत है वो भी निकाल दो ताकि बाद में वापस ना जाना पड़े, ठीक है। अच्छा, आपसे ये आखिरी में ये बोलना चाहूंगा, अपने फैंस को धवन क्या बोलना चाहेंगे, अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे, क्या इस आईपीएल से अपकमिंग सीरीज में किस तरह से धवन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, जो फैंस चाहते हैं कि धवन का जो ये अंदाज है ना वो ग्राउंड पे नजर आए ब्लू जर्सी में? अजीत बिल्कुल आएगा ग्राउंड पे नजर, और आप लोग मुझे जरूर खेलते हुए देखेंगे एंड परफॉर्म करते हुए भी देखेंगे, और या आई एम गोना हैव लॉट ऑफ फन आउट देयर ऑन द फील्ड, यस। और एक गाना आपसे हम सुनना चाहते हैं। नहीं, गाना नहीं सुनाऊंगा मैं, मेरे को पता था आप ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। एक और चीज मैंने सीखी है, ना बोलना ये आपने ना गलत टाइम पे सीख लिया तो मैं आप लोगों के लिए, आप सब बैठे हैं यहाँ पे, तो एक वैसे शेर बोल देता हूँ, वक्त भी आ गया, मैम खड़ी होगी वहां पे, हम समझ गए आपका इशारा तो है कि आप खुशबू हैं गुलाबों की चीज है, आप खुशबू हैं गुलाबों की चीज है, नींदों की और ख्वाबों की चीज है, आपका शुक्रिया आप हकीकत में आए, आप तो किस्सों और किताबों की चीज है। थैंक यू।